सर मेरा तो नहीं था नहीं, आई थिंक एग्जाम तो सबका था ना आज, फुल सर। टेस्ट। कौन सा एग्जाम? अच्छा वो वाला। अच्छा जी, अवंती में जो एग्जाम का एग्जाम था। आई होप सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है, पर जल्दी से कंफर्म कर दूं सो दैट हम आगे क्लास स्टार्ट कर पाए। चलिए बच्चों, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही ना? Yes. जी बच्चों सबको। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो बाकी बच्चे आई थिंक आ रहे हैं, आई डोंट नो। चलिए, सो लास्ट सेशन में बच्चों हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। बच्चों देखो इसमें क्या है, ये बेसिकली मैक्सवेल ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी बच्चों। अब होता क्या है ना कि मान लो हमारे पास जो कंटेनर है, हमारे पास बच्चों गैस का जो कंटेनर है, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों। अब होगा क्या, सबके बच्चों हम यूनिफॉर्म तो मान रहे हैं, सबको यूनिफॉर्म मान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक जगह डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक जगह डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बच्चों जो सबकी जो स्पीड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि सबकी जो स्पीड है बच्चों वो बराबर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो बेसिकली मैक्सवेल ने एक इक्वेशन ट्राई की, थोड़ी सी इक्वेशन बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें क्या क्या याद रखना है इसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सो मैक्सवेल ड्राइव एन इक्वेशन गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनकी कुछ डिफरेंट स्पीड होगी, कुछ अलग होंगे बच्चों उनकी डिफरेंट स्पीड होगी। ठीक है, सो नाउ इफ dN रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv, देन ये अपना होता है एक फॉर्मूला। आपको पूरा याद नहीं रखना, आपको जो याद रखना है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको चीज दिख रही होगी कि dN बाय dV अगर हम लिखते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू क्या, e रेस्ट पावर माइनस 3/2 एंड बी स्क्वेयर। ये क्या क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कैसा? ठीक है, सो अगर बच्चों हम ग्राफ बनाते हैं dN बाई dN बाई dV का, अगर हम बच्चों ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहोगे, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव भी है। अगर आप बच्चों वेलोसिटी को बढ़ाते रहोगे ना तो ये डिक्रीज भी करेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा वेलोसिटी ले ली बच्चों, बहुत ज्यादा वेलोसिटी ले ली आपने, बहुत ज्यादा वेलो, तो उस टाइम पे बच्चों dN बाई dV क्या है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपने तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल स्पीड कर्व, ये बच्चों अपने कर्व है। ठीक है, सो dN बाई dV और वर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, ये देखो क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड VMP at which dN by dV is maximum is called most probable speed. ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या, ये स्लोप कितना है, जीरो है, स्लोप इज जीरो। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप आगे जब जाओगे, देखो आप आगे जाओगे, देखो स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, dN by dV डिक्रीज भी तो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनकी ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों वो होगी, सबकी नहीं होगी, सबकी क्या बच्चों नहीं होगी। ये बात बच्चों यहां तक किस किस को समझ आएगी, और यहाँ पे बच्चों अपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर T बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट रखा हुआ हमने। यहाँ तक मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर हम बात करते हैं बच्चों dN by dV वर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप इसका बच्चों ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों, ध्यान आपको क्या रखना है। ठीक है, द स्पीड एट विच dN by dV इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सो वी एम पी इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 KT बाई। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v टू v प्लस dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। बच्चों देखो क्या, अगर अपने को इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है,
ये मान लो यहाँ पे वेलोसिटी वी है, एक मिनट इसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी मान लो वी है, यहाँ पे क्या वी प्लस डीवी है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, डीवी होगी ना, इसकी विड्थ कितनी है, डीवी, ठीक है। अब देखो बच्चों, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट विल बी dn बाय dv। अगर आप मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो dn बाय dv लेंथ है इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है dv, ठीक है। सो इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू n, सो एरिया बच्चों किसके बराबर आएगा, n के बराबर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v टू v प्लस dv इट विल बी इक्वल टू n, दैट इज कांस्टेंट। क्यों बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना, ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, ठीक है। तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 kt। k क्या बच्चों, इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक सबको पता होगा k इज इक्वल टू r डिवाइड बाय n a, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टू आर टी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिवाइड बाय में एन ए इनटू में एम, ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, टू आर टी बाय मोलिकुलर मास। आई थिंक बच्चों ये सबको याद होगा, इस पे हमने कल एक क्वेश्चन भी किया, ठीक है। यहां तक बच्चों मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। Yes, चलिए अब बच्चों जो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना बच्चों, एट हाईर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स विल हैव मोर एनर्जी, बच्चों मॉलिक्यूल क्या है, मोर एनर्जी हो जाएगी। अब मेरी बात समझो, सो dn बाय dv, मान लो अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये कर्व है, इट्स dn बाय dv, ठीक है। अब बच्चों अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बच्चों, तो स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, तो देखो क्या हमारा ग्राफ, देखो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगा। सो एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी, ठीक है। सो कर्व इज ब्रॉडर एंड फ्लैटर, एट लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव लेस एनर्जी, सो कर्व इज नैरोर एंड शार्पर। तो देखो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी है वी थ्री इज ग्रेटर देन वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, ठीक है। सो बच्चो इट्स वी एम पी फॉर कर्व थर्ड, ये वाला कर्व, इट्स VMP फॉर सेकंड कर्व, इट्स VMP फॉर फर्स्ट कर्व, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, तो VMP क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस तीनों का जो एरिया है ना, तीनों का बच्चों जो एरिया है वो क्या रहेगा, वो रहेगा इक्वल, बच्चों जो तीनों का एरिया है वो बच्चों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, वो तो कांस्टेंट है ना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बच्चों, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स constant or same. So therefore area of each distribution curve, speed or we get the velocity distribution curve for same gas will be, अच्छा ये बात किसकी, ये वाला पॉइंट किस किस को समझ आया, अच्छा यहाँ तक किस किस को समझ आया सर, नहीं आया समझ। अच्छा देखो, अच्छा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अपना जो ग्राफ है ये, एक ग्राफ को समझो, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, क्या हमारे पास मान लो कि कैपिटल एन है, हमारे पास कैपिटल एन नंबर ऑफ क्या टोटल मॉलिक्यूल्स है। अब बच्चों ना सबकी जो है ना वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, जरूरी नहीं है कि सबकी जो स्पीड बच्चों वी आर एम एस के बराबर हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बराबर हो सबकी स्पीड, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपनी बच्चों एक मैक्सवेल इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन पे बच्चों हम अपना जो आया था ना
अपना ये ग्राफ आया, ये अपनी इक्वेशन आएगी। तो जब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ग्राफ ऐसा निकला बच्चों। अब बच्चों ध्यान क्या रखो, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो, अगर हमने कोई गैस का सैंपल ले रखा है बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम रहेंगे। ये बात किस किस को समझ आई? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैंने सैंपल ले लिया, इस कंटेनर के अंदर बच्चों गैस पार्टिकल्स हैं, तो जो गैस पार्टिकल पर तो वो सारे सेम रहेंगे, नंबर सेम रहेगा ना। मान लो कि 5000, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बच्चों इन पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज कर, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी बच्चों वेलोसिटी बढ़ जाएगी या स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो सोचो बच्चों स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कर्व इधर शिफ्ट करेगा, थोड़ा फैलेगा ना, इधर फैलेगा। लेकिन बच्चों जो एरिया निकालोगे वो तो एरिया किसके बराबर आएगा, वो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर ही आएगा। ये बात किस किस को समझ आई है? यस सर, समझ लो भाई, अपना ग्राफ थोड़ा फैल रहा है। क्यों? आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब सोचो बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो देखो ये इधर जाएगा जाएगा। इसलिए बच्चों एरिया ऑफ फोर सेम सैंपल ऑफ गैस, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कर्व, ठीक है, फोर सेम सैंपल क्या होगा बच्चों, एरिया विल बी सेम कांस्टेंट, ठीक है। फिर इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर फॉर द गिवन कर्व। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखते कौन देगा सबसे पहले। ऑप्शन बी। ओके, बाकी बच्चे? ऑप्शन बी सर। सर बी। हाँ जी बच्चों, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे हमने जस्ट अभी डिस्कस तो किया है, बाकी बच्चों कहाँ चुप बैठे हो? हमने अभी तो डिस्कस भाई मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों तो कर्व का फैल जाएगा, बट हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा तो बच्चों सेम रहेंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है T2 वाले केस में क्या फैल रहा है, तो T2 क्या है, बड़ा है। आई मेरी बात समझ? चलो इसका देखते आंसर कौन देगा। क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एंड आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड Vi, कैलकुलेट बच्चों। फर्स्ट क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। बोलो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है, आया किसको समझ में बच्चों? वो वेलोसिटी देखो जो ज्यादा पार्टिकल्स के पास है भाई। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, 2 पार्टिकल की है, 3 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि बच्चों 9 पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो, इतने सारे पार्टिकल्स में बच्चों 9 ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड ये है, तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यही तो हो जाएगी। इस किस को मेरी बात समझ आई? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड निकालो बच्चों, एवरेज स्पीड निकालो, देखते हैं किसको समझ आया। हाँ जी बच्चों, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड?
तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आई थिंक सबको पता होगा, सबका सम करके जितना टोटल है उस डिवाइड कर, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही करो, ट्राई करो। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि बच्चों एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2 × 1 + 4 × 2 + 9 × 3 + 5 × 4 + 3 × 5 डिवाइड बाय 2, 4, 6, 6, 9, 15, 15, 5, 20, 23 ऐसे निकालेंगे। क्योंकि बच्चों कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग है, कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ अलग है, ये बात किस किस को समझ आई? अब इसकी वैल्यू निकाल के बताऊंगी जल्दी से। बोलो बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट इज अपने को निकालनी है बच्चों आरएमएस स्पीड, ये निकालो जल्दी से। और बच्चों ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखना, मॉस प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट टू क्या था बच्चों? टी बाय एम, टू के टी बाय एम, यही था ना? बच्चों आरएमएस स्पीड होती क्या है? बी आरएमएस स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन वन इंटू बी वन का स्क्वायर प्लस में एन टू इंटू वी टू का स्क्वायर प्लस में डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। एन वन कितना है? टू इंटू वन स्क्वायर यानी कि वन प्लस में एन टू कितना? फोर इंटू टू की पावर टू यानी कि फोर प्लस में एन थ्री कितना है? नाइन इंटू थ्री स्क्वायर यानी कि नाइन प्लस में 5 into 16 plus me 9 into 25 divided by 23। बच्चों यहां तक निकाल लोगे क्या? यहां तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है चलो नाउ बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हैं जल्दी से हम। सो बच्चों एवरेज स्पीड हमने अब तक क्या देखी थी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट टू के टी डिवाइड बाय एम। अब आती है बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की वैल्यू आती है बच्चों दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 डिवाइड बाय पाई के टी बाय एम। देन आती है बच्चों आरएमएस स्पीड दैट विल बी इक्वल टू 3 के टी बाय एम। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? ठीक है अब देखो ये जो फॉर्मूले बच्चों आए यहीं से हैं, ये बच्चों के टी आप निकालोगे तो ये यहीं से आएगा। ठीक है यस सर। ओके बच्चों ये तीन फॉर्मूले याद रखना, आपको तीन फॉर्मूले याद रखना ये वाले। ठीक है सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बच्चों? 2 के टी बाई एम। ठीक है आरएमएस कितनी है? रूट 3 के टी बाई एम। एवरेज कितनी है? रूट 8 बाई पाई के टी बाई एम। बच्चों ध्यान रखना सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आरएमएस की, देन होती है एवरेज की, सबसे कम किसकी होती है बच्चों?
मोस्ट प्रोबेबली स्पीड की होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होने थी यहां तक? ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं सो वीआरएमएस, देखो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे पीछे है, सबसे पीछे बच्चों। नंबर ऑफ पार्टिकल तो ज्यादा है उनके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, लेकिन बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है स्पीड में। देन उसके बाद आती है एवरेज, थर्ड आती है बच्चों वीआरएमएस। सो वीआरएमएस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी एन। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये बातें समझ आ रही होंगी। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी है। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों यहां तक किस किस को कोई को डाउट है किसी को यहां तक? बच्चों यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए बच्चों ध्यान रखना, पुराने वाली इक्वेशन जो हमने सीखी है ना और अब जो हम सीखने वाले बच्चों, इसमें काफी रिलेशन है। और बच्चों ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ऐसा नहीं मैं हर टॉपिक पर ऐसा बोलूं, बच्चों ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। जैसे अपने जो थर्मल जो अपना क्या बोलते हैं हीट ट्रांसफर जो टॉपिक था, हीट ट्रांसफर में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने के पूरे पूर्तांत होते हैं। ऐसा नहीं बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन टॉपिक ये ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, कि एक पार्टिकल अपने बात मानो कोई पार्टिकल है वो कितने उसके बच्चों कितने तरीके से वो मोशन कर सकता है। मान लो कि एक पार्टिकल है, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक मान लो ऐसे क्यूब है, ठीक है ऐसे बच्चों, अब हमने क्या किया इसमें, हमने एक एक ऐसे छोटा सा पार्टिकल डाल, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर सकता है बच्चों, या तो ये इधर मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, या ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, या ये जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक पार्टिकल है, सिर्फ एक पार्टिकल। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव। और हमारा जो मॉलिक्यूल बच्चों उसमें एक ही आइटम है, मान लो जो हीलियम है, हीलियम तो एक ही होता है, एक ही उसका एटम होता है। उसके बाद बच्चों अगर एक एटम है, एक छोटा सा पार्टिकल है बच्चों, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? तीन। तो इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, एंड इट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस। ये बात किस किस को समझ आई? यानी कि बच्चों इसकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बच्चों तीन डायरेक्शन में, इसकी क्या होगी? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये बात किसको समझ आई? ठीक है, ये मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया। ओके, अब बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखो किस किस तरीके से बच्चों उसके बाद एनर्जी हो सकती है, ये सेकंड डेफिनेशन। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए मॉलिक्यूल और एन एटम कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो कोई पार्टिकल है वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या देगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर वो सिर्फ ट्रांसलेट सिर्फ मूव कर रहा है हाफ एम स्क्वायर, तो जो अगर दोनों ही कर रहा है रोलिंग, वो ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और आगे आगे भी डिस्ट्रीब्यूट, आगे आगे भी मतलब मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप बच्चों कितनी होगी? दो होगी। अब सोचो अगर मान लो कोई ऐसा पार्टिकल जिसके पास तीनों ही ऐसी एनर्जी है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? तीन। जिसके पास सिर्फ ये है एक डिग्री फ्रीडम, जिसके पास सिर्फ ये है उसका दो डिग्री फ्रीडम। सोचो ये बात किस किस को समझ आई? तो ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए मॉलिक्यूल और एन एटम
कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो ये है, अगर मान लो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लेके आ रहे हो, आप इसको सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लेके आ रहे हो, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एक ही है। एक मान लो बच्चों ये ऐसे घूमता घूमता नीचे आ रहा है, घूम भी रहा है और ये ऐसे मूव भी कर रहा है, तो उसके बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो दो। क्यों? इसके पास बच्चों दो तरीके से एनर्जी है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे इसको बच्चों डीपली हम समझेंगे। ये किस किस को यहाँ तक समझ आए? यस सर। ठीक है, नाउ अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों तो किस किस टाइप से जो पार्टिकल कैसे कैसे मोशन कर सकते हैं। एक तो क्या बच्चों, ट्रांसलेशन हो सकता है, ये क्या हो सकता है बच्चों, रोटेशन। थर्ड होता है बच्चों वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो जो तीन तरीके अपने पास, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां तक बच्चों किस किस को बात समझ आई? बच्चों ये थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और कितने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है उसके अंदर फर्दर आगे पार्ट है। बच्चों यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। पक्का? सो देयर आर बच्चों थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री टाइप्स। अब उसके अंदर ट्रांसलेशन में क्या क्या हो सकता है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लो को पार्टिकल बच्चों सिर्फ लीनियरली मूव कर रहा है तो उसके पास क्या ट्रांसलेटिंग एनर्जी है या फिर ट्रांसलेशन मोशन है। अगर मान लो कोई पार्टिकल सिर्फ घूम रहा है उसके पास क्या बच्चों, रोटेशनल है। अगर मान लो कोई पार्टिकल बच्चों ऐसे 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 सम कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, उसके पास बच्चों क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड टाइप ऑफ क्या हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां तक किसको कट आउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, नो सर। आगे चलते हैं। नाउ चलो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हमने डिस्कस कर लिया बच्चों क्या एक ऐसा पार्टिकल जो बच्चों ऐसे लीनियरली मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर लीनियरली मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में तो वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है लीनियरली, वो जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है लीनियरली। यानी कि बच्चों अगर लीनियरली बात हम करें तो हमारे पास बच्चों थ्री टाइप्स, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी किसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी थ्री, एक्स वाई जेड। ठीक, तो बच्चों उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, देन हाफ एम वी वाई स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि बच्चों ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, तीन। बच्चों तीन से कम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ही नहीं सकती किसी पार्टिकल की। अगर मान लो कोई मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कि हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, ओके। अब बच्चों तीन से नीचे तो डिग्री फ्रीडम हो ही नहीं सकते। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, अगर मान लो कोई पार्टिकल है वो वाइब्रेट भी कर सकता है, ठीक है, वो मान लो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है या फिर ट्रांसलेटिव मोशन भी कर सकता है। बच्चों मिनिमम डिग्री फ्रीडम तो हर एक पार्टिकल की तीन होंगे ही होंगे। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ अगर बात करते हैं तो रोटेशनल की, अगर बात करें रोटेशन की, इसके भी मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी थ्री। कैसे? मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो बच्चों कोई कोई अपना मॉलिक्यूल ऐसा है वो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ
आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर। क्यों? मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर मानो एक्सिस रोटेट, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो बच्चों अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो उसी के अलोंग निकालना पड़ेगा। एक ये हो गया। मान लो अगर अपना मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट बच्चों अगर रोटेट कर रहा था तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई वाई ओमेगा वाई का। सिमिलरली बच्चों हाफ आई जेड ओमेगा जेड का। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? तो यानी कि बच्चों रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चों वो भी क्या मैक्सिमम 3 हो सकती है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, क्लियर। नाउ अगर बात हम करते हैं बच्चों वाइब्रेशनल के बारे में, ओके, सो देयर नंबर डिपेंड ऑन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड देयर अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, देखो क्या है एक्चुअली, है ना, आपके जो सिलेबस में है वाइब्रेशन वगैरह आपको इतना सब नहीं पढ़ना, लेकिन कई बार इसको कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, इट विल बी कंसिडरेबल। सो वाइब्रेशनल degree of freedom is considered only at very high temperature, only at very high बच्चों। स्पेशली बच्चों डिफाइंड होगा, स्पेशली अगर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ओनली इन दैट केस यू कैन कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ बच्चों ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल के बारे में ही बात करते हैं, इसके अलावा बच्चों हम वाइब्रेशन के बारे में बात नहीं करते। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ही इसको हम कंसिडर करते हैं, अदरवाइज बच्चों इसको हम कंसिडर नहीं करते। मेरी ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर ये मेंशन होगा क्वेश्चन में कि मतलब वाइब्रेशन कंसीडर नहीं करना या करना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहां पे जिक्र होगा बच्चों तो वहां पे बच्चों टेम्परेचर के बारे में पक्का बोला होगा, अदरवाइज वो टेम्परेचर के बारे में नहीं बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, क्लियर। ओके चलिए बच्चों अब बात करते हैं, अगर हम वाइब्रेशन की बात भी कर रहे हैं, अगर मान लो कि वो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर भी रहे, ठीक है, याद करो स्प्रिंग वाला केस, ठीक है, याद करो ऐसे था वो एस एस एम कर रहा था, तो उसके बाद कितनी एनर्जी है? दो एनर्जी होती है, एक हाफ एम बी स्क्वायर एक हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि बच्चों सो दीज डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कंसिडर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अगर बच्चों हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? दो। क्यों? यहाँ पे कितनी टाइप की एनर्जी है? दो टाइप की एनर्जी, एक अपने पास काइनेटिक है, एक अपने पास पोटेंशियल है। सो एट रूम टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर टेकन इनटू अकाउंट। तो ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है चलिए, एक एक करके बात करते बच्चों। मोनोटोमिक गैस कैसे कैसे बच्चों? मोनोटोमिक गैस। अब बच्चों होता क्या है ना, ठीक है, रेडियस, एक मिनट, रेडियस और डायमीटर, डायमीटर इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। अब इसके बारे में हमने बात क्यों की है? पहली बात तो यह
पहली बात ये है कि बच्चों जो मोनोटॉमिक गैस है उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब हमने जस्ट अभी डिस्कस भी किया था, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये वाई डायरेक्शन में बच्चों मूव कर सकता है, और ये जेड डायरेक्शन में बच्चों क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, टी। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू थ्री इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की कितनी होगी, टी। अब बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और बिल्कुल सही बोल रहे हो। मान लो भाई ये रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी ना, ठीक है, ओके। अब बच्चों की बताओ जब इसका हमने जो रेडियस हमने जो डायमीटर बच्चों हमने जो नेग्लिजिबल मान लिया, तो बच्चों इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो देयरफॉर एनर्जी अबाउट और भी कहते रोटेशनल एनर्जी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इट विल बी बच्चों जीरो। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, यस सर, यानी कि मैं आपको बच्चों इतना डीपली से समझा रहा हूँ ताकि आप इसको भूलो मत। सो मोनोटॉमिक गैस बच्चों क्या हो सकता है, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यानी कि बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस इट विल बी थ्री, ठीक है। सो यानी कि सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया and hence rotational kinetic energy of monatomic gas molecules about the axis passes through itself will be zero. ये बात किस किस को समझ आएगी, yes sir, पक्का क्लियर है, ठीक। चलिए now next topic है बच्चों diatomic gas, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। डायटोमिक गैस बच्चों अब क्या है, सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बच्चों आर इन द शेप ऑफ डंबल, ठीक है। ऐसे होता है ना जैसे आपको डंबल आपने देखा होंगे जिम के अंदर, ऐसे होता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, जो ट्रांसलेटरी अपना मोशन बच्चों उसमें जो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो हर केस में होगी ही होगी, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर इन द शेप ऑफ डंबल, two atoms of negligible size at some separation molecule can rotate about an axis so that the degree of freedom of diatomic gas are due to translation and due to rotation also, okay. So degree of freedom of translatory iske liye diatomic translatory kitna hai, अब बच्चों अगर मैं बात करूं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, मान लो अपनी ऐसे है, ठीक है, मान लो बच्चों अपना जो मॉलिक्यूल है वो इसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, बच्चों क्या करोगे, ठीक है। बच्चों अब ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है, ये जेड एक्सिस के अबाउट बच्चों घूम सकता है, क्या ये बच्चों रोटेट कर सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट, बताओ बच्चों क्या ये अपना जो डंबल शेप डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्या एक्स एक्सिस के अबाउट बच्चों रोटेट कर सकता है क्या, कर सकता है क्या बच्चों, ये आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, यस सर, क्या ये रोटेट कर सकता है अबाउट एक्स एक्सिस, सर कर सकता है, कर तो सकता है, पर बच्चों जब करेगा तो
हमने जो अपने जो जो भी एक एटम है उसका जो डायमीटर, उसका जो अपना रेडियस है, उसको नेग्लिजिबल मान के चलते, बहुत ही छोटा मान के चलते, तो बताओ बच्चो क्या ये जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, क्या इसको हम कंसिडर कर पाएंगे क्या? अच्छा किस, ये बात किस किस को समझ नहीं आ रही मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे बच्चों? देखो मान लो ये अपना डंबल शेप है, मान लो ये अपना डंबल शेप है, ठीक है, ये अपनी x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है, ये मेरी तरफ क्या z एक्सिस है। अब क्या बच्चों, ये y एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है ना, y एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है y एक्सिस के अबाउट? यस सर। ठीक है ओके, z एक्सिस के अबाउट ये तो अभी ऐसे घूम रहा था, जेड एक्सिस अबाउट बच्चों ऐसे घूम रहा है, ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम सकता है। यस सर। घूम सकता है, लेकिन जो बच्चों एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग ही खुद है, उसके अबाउट ऐसे बच्चों रोटेट कर रहा है। अरे आपको कुछ फील आ रही है? नहीं सर, ये कंसीडर नहीं कर सकते। यही कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चों? बिकॉज साइज ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट इट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल बिकॉज ऑफ ट्रांसमिटरी मोशन, जिसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तीन, ये कितना है, दो, टोटल कितने बच्चों? फाइव, टोटल इज फाइव बच्चों। ये बात किस किस को समझ आएगी? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का सबको समझ आया? बाकी बच्चे बच्चों ये टॉपिक देखो दिखने में सिंपल है पर थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सो डायटोमिक बच्चों, सो इफ द लाइन जॉइनिंग द टू एटम्स पार्टिकल्स इज टेकन एज अलोंग द जेड एक्सिस, then moment of inertia and hence rotational kinetic energy about z axis becomes zero. इन्होंने z axis के about बात करके हमने उसको x axis बना था, तो हमने उसके about नहीं, ठीक है? Yes sir. Okay, ये बच्चों ये था अपना diatomic case. अब एक छोटा सा question है, चलो question पढ़ो जल्दी से इसका answer. Option B. छोटा सा question. ऑप्शन बी, डी, डी फॉर डॉग, नहीं बी फॉर बॉल, ओके बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। बाकी बच्चे सब सी, सी, बाकी बच्चे देखो क्वेश्चन अगर किसी ने ध्यान से पढ़ाओ, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। जो हमने पहली बात की थी ट्रांसलेशनल के लिए बच्चों हमेशा तीन होगा ही होगा, चाहे वो बच्चों मोनोटोमिक गैस हो, चाहे वो डायटोमिक हो बच्चों, चाहे वो ट्राइटोमिक हो बच्चों, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों तीन होंगे ही होंगे हर केस में। अब कुछ हो ना तो पूरा मॉलिक्यूल है, अगर मैं डायटोमिक की बात करूं वैसे ठीक है। अब देखो अपना अगर बच्चों मॉलिक्यूल है वो डंबल शेप्ड है, ऐसे हो और वैसे ठीक है, लेकिन बच्चों ये पूरा का पूरा जो पार्टिकल है, पूरा का पूरा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बच्चों, ये ऐसे लीनियरली मूव तो कर सकता ना इस साइड में, पूरा का पूरा बच्चों इसी शेप पे इधर भी मूव कर सकता है और बच्चों अलोंग जेड एक्सिस मूव कर सकता है, पूरा का पूरा
बिल्कुल। तो बच्चों उसके बाद हर एक केस में बच्चों जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों वो तीन तो होगी ही होगी हर केस में बच्चों। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। आगे चले। नाउ अगर हम बात करते बच्चों, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? सो द मॉलिक्यूल हैज थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, प्लस में टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन। तो टोटल कितनी होगी? फाइव। एट रूम टेम्परेचर बच्चों ध्यान रखना, हम बच्चों बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कंसिडर नहीं करें, अदरवाइज वी नीड टू कंसिडर दैट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ जाएगी इन केस अगर बच्चों टेम्परेचर क्या है ज्यादा है। अभी हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाय बच्चों समझ गए? ठीक है। सो इफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टेकन इनटू अकाउंट, तो बच्चों टोटल कितनी हो जाएगी? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? थ्री प्लस टू टोटल हो गया सेवन। ठीक है। सो हाफ म्यू वी स्क्वायर कॉरस्पॉन्ड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन विद द रिड्यूस्ड मास एंड हाफ के आर स्क्वायर बच्चों कॉरस्पॉन्ड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, के इज द फोर्स कॉन्स्टेंट एंड आर इज द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। अच्छा, ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों यहाँ तक कोई विदाउट कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे चले। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट बच्चों ट्राइटोमिक और पॉलीटोमिक गैस। ओके, सो ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट एनी एक्सिस। क्यों? क्योंकि बच्चों थ्री डी है ही, ठीक है, थ्री डी में वो क्या तलाश कर रहा बच्चों, वो वन डी में था। ठीक है। सो थ्री ट्रांसलेशन एनर्जी एंड थ्री रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आराम से। देखो अब देखो अगर मैं बात करूं, मैं लेट से कंसिडर करता हूं, ये वाली देखो ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट भी देखो रोटेट कर सकता है ये अपनी क्या बच्चों अपनी वाई एक्सिस है, इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और ये बच्चों अपनी क्या ये अपनी जेड एक्सिस है, देखो इसके अबाउट भी रोटेट कर सकता है, यानी कि बच्चों तीनों के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, यानी कि बच्चों। सो देयर विल टोटल कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितनी होगी बच्चों? सिक्स। थ्री बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल, ठीक है, एंड थ्री बिकॉज ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बात बच्चों किस किस को समझ आए? यस सर। ठीक है। चल अगर इसको बच्चों जल्दी समराइज करें, सो एटोमिसिटी क्या बच्चों, यानी कि उसमें कितने एटम्स हैं, मोनोटोमिक है, एग्जांपल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। डायग्राम कैसा होगा बच्चों? सिंगल सर्कल आपको दिख रहा होगा, वैसे सर्कल लिखने की बच्चों एटम ही है, पूरा स्फीयर शेप है। सो बच्चों टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? तीन ट्रांसलेशनल, वो भी नो रोटेशनल नो वाइब्रेशन, बच्चों वाइब्रेशन हम किसी में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नाउ इनके साथ बच्चों डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक लीनियर, बच्चों ट्राइटोमिक लीनियर हो सकते हैं ना बच्चों, जो ट्राइटोमिक है बिल्कुल बच्चे वो भी लीनियर हो सकते हैं। ये बात किसकी सही? मैंने अभी जो बोला है किसी को समझ नहीं आई? ट्राइटोमिक लीनियर कैसे होंगे? क्या कह रहे हो? जो ट्राइटोमिक लीनियर भी दो सकते हैं ना, मान लो देखो ऐसे है अपना, मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक मॉलिक्यूल ऐसे बच्चों, और तीसरा भी ऐसे है। यस सर। समझ रहे हो? तो डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक में तो अगर लीनियर है तो तीनों दोनों केस में क्या होगा बच्चों, अपने पास कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? फाइव। तीन ट्रांसलेशनल एंड दो रोटेशनल। एग्जाम्पल क्या बच्चों इसके,
H2 gas, N2 gas, O2 gas and CO, carbon monoxide and CO2. अब बच्चों देखो CO2 है, आई थिंक स्ट्रक्चर सबको पता होगा CO2 की. यस सर. ऐसी होती है ना. यस सर. ठीक है, ये क्या देखो लीनियर है. लीनियर तो बच्चों फिर क्या होगा, एक अपने को रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसिडर नहीं करेंगे जिसके अलोंग इसकी बच्चों अलाइनमेंट है. थर्ड क्या है, पॉलीएटॉमिक और बच्चों ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर H2O, SO2. ठीक है, इसमें क्या बच्चों तीन ट्रांसलेशनल है एंड तीन बच्चों रोटेशनल है, टोटल कितने जगह बच्चों 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर बच्चों टेम्परेचर कंसिडर कर का बच्चों तो आप उसमें एरिक में आप दो भी एड कर देना. ठीक है. यस सर. पक्का. यस सर. सॉरी, तो फिर जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं. बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होती है, जल्दी बताओ. अंडर रूट 2 KT/m. परफेक्ट. किसने आंसर दिया है? सर वर्षा. वर्षा बहुत अच्छा बेटा, तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी होती है बच्चों? अंडर रूट 8 RT/π/m. 8 KT रखो बच्चों, आप एक ही चीज याद रखो ना, आप कंफ्यूज हो. एंड लास्ट वन, आरएमएस स्पीड कितनी होती है? 3 KT/m. ठीक है, एंड सबको पता होगा V RMS is greater than V average is greater than V M. बच्चों ये बात किस किस को समझ आएगी? यस सर. ठीक है, याद है बच्चों किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. पक्का सब क्लियर है सर? इसमें किसे किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, लाइक इसमें से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछने गए आएंगे? हमने जो शुरू में बच्चों पढ़ा था ना, इस पे देखो, इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं. देखो इस ग्राफ पे आ सकते हैं बच्चों, ठीक है, इस ग्राफ पे आ सकते हैं क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों. एवरेज स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड, बच्चों इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे सीधे. डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेंगे ना? नहीं बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे. हाँ, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा बच्चों ये वाला डिग्री फ्रीडम, इस पे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा. इस पे बच्चों आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जिसमें आप पता चलेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इन ऑल द थ्री डायरेक्शन इट्स इक्वल. ठीक है, तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे कुछ कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उन्हीं से बच्चों रिलेटेड आएगा, क्योंकि उन टॉपिक्स में उन कॉन्सेप्ट में बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज है. ओके सर. ठीक है, बाकी बच्चे बताओ. ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही अच्छे समझ आया होगा. कंक्लूड करना चाहूंगा, ट्रांसलेशनल के तीन है, रोटेशनल के बच्चों तीन है, अगर अपना जो डायटोमिक अगर वो 3D है, और अपना जो ट्राइटोमिक बच्चों 3D है. ठीक है, वाइब्रेशन को कुछ हम कंसिडर नहीं करते हैं, और स्मॉल टेम्परेचर एट स्पेशली एट रूम टेम्परेचर बच्चों, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो ही उसको हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, चलिए. सो आई थिंक आज के लिए बच्चों काफी हो गया. ये बच्चों अपना पूरा कंक्लूजन, मोनाटोमिक के लिए तीन है, वो भी ट्रांसलेशनल, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक. लीनियर के लिए कितने हैं? 5 है टोटल, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड पोलोटोमिक, और वी कैन से ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए बच्चों कितने हैं? टोटल 3+3, टोटल 6. ठीक है बच्चों, चलिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन. अगर किसी कोई भी डाउट पूछना, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो बच्चों.